तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन पहला, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए हीरापुर बांध, बी भाखड़ा बांध, सी गांधीनगर बांध और डी टिहरी बांध। ऑप्शन ए सही है, हीरापुर बांध। दूसरा क्वेश्चन, चुमार सीमा क्षेत्र जहाँ से चीनी सैनिकों ने भारत में घुसपैठ कर दिया किस राज्य में है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन बी सही है, जम्मू और कश्मीर। क्वेश्चन तीसरा, जनगणना सन 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी महाराष्ट्र और डी तमिलनाडु। ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र। चौथा क्वेश्चन, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए केंद्रमुख, बी भोर, सी महादेव और डी कोकर। ऑप्शन ए सही है, केंद्रमुख। पांचवा, विश्व में दूध उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? ए दूसरा, बी पहला, सी तीसरा और डी पांचवा। ऑप्शन बी सही है, पहला। छठा, मालवा पठार पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी लाल पीली मिट्टी, सी काली मिट्टी और डी मिश्रित मिट्टी। ऑप्शन सी सही है, काली मिट्टी। सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ए महानदी, बी कृष्णा नदी, सी गोदावरी नदी और डी ताप्ती नदी। ऑप्शन डी सही है, ताप्ती नदी। आठवां क्वेश्चन, निम्न में से क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? ए 0, बी 7.6 से अधिक, सी 7.0 और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, 7.6 से अधिक। नवा क्वेश्चन, मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं? ए जैविक तत्व, बी मिट्टी निर्माण की अवधि, सी अजैविक तत्व और डी मिट्टी का गठन। ऑप्शन ए सही है, जैविक तत्व। दसवां क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा कृषि फार्म है? ए जैतसर, बी कुंभगढ़, सी सूरतगढ़ और बी विदासार। ऑप्शन सी सही है, सूरतगढ़। ग्यारहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? ए दादर और नागर हवेली, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी दमन और दीव, डी लक्षद्वीप। ऑप्शन बी सही है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बारहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतार प्रसिद्ध है? ए ऊष्मा विद्युत संयंत्र, बी जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र, सी पवन ऊर्जा संयंत्र या डी नाभिकीय विद्युत संयंत्र। ऑप्शन सी सही है, पवन ऊर्जा संयंत्र। तेरहवां क्वेश्चन, भारत का पूर्वी बिंदु किस राज्य में स्थापित किया है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी त्रिपुरा और डी नागालैंड। ऑप्शन ए सही है, अरुणाचल प्रदेश। चौदहवां क्वेश्चन, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है? ए विंध्याचल और अरावली, बी विंध्याचल एवं सतपुड़ा, सी सतपुड़ा एवं विशिष्ट घाट पश्चिमी घाट और डी विंध्याचल पूर्व एवं पूर्वी घाट। ऑप्शन बी सही है, विंध्याचल एवं सतपुड़ा। पंद्रहवां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मिट्टी ने देश का 43% क्षेत्रफल घेर रखा है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी और डी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन डी सही है, जलोढ़ मिट्टी। सोलह क्वेश्चन, देश में मध्य प्रदेश राज्य का मैग्नीज के उत्पादन में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। ऑप्शन सी सही है, तीसरा। सत्रहवां क्वेश्चन, ओली रीढ़ले कछुओं के घोंसले किन नदियों पर पाए जाते हैं? ए तापी और नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी और डी रसिकुल्या और देवी नदियाँ। ऑप्शन डी सही है, रसिकुल्या और देवी नदियाँ। अठारहवां क्वेश्चन, क्वार्टर जाइट कायांतरित होता है? ए चूना पत्थर से, बी बलुआ पत्थर से, सी आपसी डीएम से और डी सेल से। ऑप्शन बी सही है, बलुआ पत्थर से।
19वां क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कहाँ पर है? ए रांची झारखंड, बी पटना बिहार, सी कोलकाता पश्चिमी बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही है, पटना बिहार। और 20वां क्वेश्चन, निम्न में से जोजोबा पौधा भारत में कहाँ से लाया गया? ए इजराइल से, बी ईरान से, सी मिस्र से और डी लाइबेरिया से। ऑप्शन ए सही है, इजराइल से। 21वां क्वेश्चन, भरवेली नामक एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए कटनी, बी सतना, सी रीवा और डी बालघाट। ऑप्शन डी सही है, बालाघाट। क्वेश्चन 22वां, निम्न में से मिट्टी का लाल दिखाई देने का कारण है? ए लवण की मात्रा अधिक होना, बी चूने का अंश अधिक होना, सी लौह कणों का मिश्र होना और डी जिंक की मात्रा अधिक होना। ऑप्शन सी सही है, लौह कणों का मिश्रण होना। क्वेश्चन 23वां, निम्न में कौन सी नदी दक्षिण की ओर से बहती है? कौन सी नदी दक्षिण की ओर से बहती है? ए वैनगंगा, बी केन, सी तवा और डी सोन। ऑप्शन ए सही होगा, वैनगंगा। 24वां क्वेश्चन, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ए अलकनंदा, बी थौली गंगा, सी भागीरथी और डी मंदाकिनी। ऑप्शन सी सही होगा, भागीरथी। 25वां क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? ए व्यास, बी सतलज, सी झेलम और डी चंबल। ऑप्शन बी सही होगा, सतलज। 26वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी जमापाव की महू पहाड़ी से निकलती है? छिप्रा, नर्मदा, चंबल और ताप्ती। ऑप्शन सी सही है, चंबल। 27वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ए चंबल, बी छिप्रा, सी बेतवा और डी बीहड़। ऑप्शन डी सही है, बीहड़। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए बुलर झील, बी सांभर झील, सी चिल्का झील या डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। ऑप्शन सी सही होगा, चिल्का झील। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ए पटना, बी अयोध्या, सी इलाहाबाद और डी वाराणसी। ऑप्शन बी सही होगा, अयोध्या, जो सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन 30वां, निम्न में से किस ग्रह ने ग्रह होने के अपने दर्जे खो दिए हैं? यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जो उसने अपने ग्रह होने का दर्जा खो दिया है? ए प्लूटो है, बी नेपच्यून है, सी यूरेनस है और डी बुध है। इसका सही ऑप्शन होगा, प्लूटो। 31वां क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी पर महेश्वर परियोजना बनाई गई है? ए बेतवा, बी नर्मदा, सी चंबल और डी छिप्रा। किस नदी पर महेश्वर परियोजना बनाई गई है? ऑप्शन बी सही होगा, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर महेश्वर परियोजना बनाई गई है। 32वां क्वेश्चन, नंदा देवी चोटी क्या है? ए अयम हिमालय का भाग, बी नेपाल हिमालय का भाग, सी कुमाऊं हिमालय का भाग या डी पंजाब हिमालय का भाग। ऑप्शन सी सही होगा, कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। 33वां क्वेश्चन, अरावली श्रेणियों की अनुमति आयु है? अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? ए 370 मिलियन वर्ष, बी 570 मिलियन वर्ष, सी 470 मिलियन वर्ष और डी 670 मिलियन वर्ष। तो ऑप्शन बी सही होगा, 570 मिलियन वर्ष। 34वां क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए हिमालय, बी विंध्याचल, सी सतपुड़ा और डी अरावली। ऑप्शन डी सही होगा, अरावली।
35वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ए कोकर तट, बी कोरोमंडल तट, सी कठियावर तट और डी मालाबार तट। ऑप्शन डी सही होगा, कठियावर तट। 36वां क्वेश्चन, निम्न में से कर्क रेखा का दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है? ए माही, बी लूनी, सी चंबल और डी बनास। तो ऑप्शन ए सही होगा, माही। 37वां क्वेश्चन, भारत के भू क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? ए 33%, बी 37%, सी 40% और डी 43%। तो ऑप्शन डी सही होगा, 43%। 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लहरी आर्द्र भूमि है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा और डी मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी सही होगा, राजस्थान। 29वां क्वेश्चन, पंचमढ़ी किस श्रेणी पर अवस्थित है? ए महादेव श्रेणी, बी अरावली श्रेणी, सी मैकाल श्रेणी और डी धूमगढ़ श्रेणी। ऑप्शन ए सही है, महादेव श्रेणी। क्वेश्चन 40, भारत में तटीय प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ए ओखा के निकट, बी द्वारका के निकट, सी होली के निकट और डी रामेश्वर के निकट। आंसर डी सही है, रामेश्वर के निकट। 41वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस पठार के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? मध्य प्रदेश के किस पठार के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ए मालवा का पठार, बी बुंदेलखंड का पठार, सी बघेलखंड का पठार या डी रीवा पन्ना का पठार। पन्ना नहीं चलता। ऑप्शन सी सही है, बघेलखंड का पठार। 42वां क्वेश्चन, भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? ए लद्दाख, बी झूमी, सी रोका और डी नीलपा। ऑप्शन बी सही होगा, झूमिंग। 43वां क्वेश्चन, जयलेपला दर्रा किस राज्य में है? जयलेपला दर्रा किस राज्य में है? ए सिक्किम, बी महाराष्ट्र, सी जम्मू कश्मीर और डी उत्तराखंड। ऑप्शन ए सही होगा, सिक्किम में। 44वां क्वेश्चन, लघु उद्योगों की प्रमुख समस्या है? ए उनका छोटा आकार, बी अपर्याप्त कच्चा माल, सी सरकारी असहयोग और डी व्यूह रचना का अभाव। ऑप्शन बी सही होगा, अपर्याप्त कच्चा माल। 45वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है? ए भोपाल, बी बालाघाट, सी पन्ना और डी छतरपुर। ऑप्शन सी सही है, पन्ना। पन्ना जो है वो मध्य प्रदेश जिला का हीरा उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। 46वां क्वेश्चन, जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? ए लघु सिंचाई परियोजना, बी बीपीएल परिवारों के लिए निशुल्क बीमा, सी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने और डी सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण। तो जीवन धारा योजना जो संबंधित है वो सिंचाई हेतु कुओं के निर्माण से है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण। 47वां क्वेश्चन है, भारतीय संघ का सबसे दक्षिण बिंदु जो 2004 से सुनामी लहरों के कारण जलमग्न हो गया था वह था? ए राजीव बिंदु, बी तमिल बिंदु, सी इंदिरा बिंदु और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, इंदिरा बिंदु। 48वां क्वेश्चन, निम्न में से किस बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है? ए पूर्वी बिंदु, बी दक्षिणी बिंदु, सी पश्चिमी बिंदु या डी उत्तरी बिंदु। ऑप्शन बी सही होगा, दक्षिणी बिंदु। 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? ए भिलाई, बी आसनतेप, सी रांची और डी दुर्गापुर। ऑप्शन सी सही है, रांची। 50वां और अंतिम क्वेश्चन, किस नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है?
ए चंबल, बी छिपरा, सी ताप्ती और डी बेतवा। ऑप्शन ए सही होगा, चंबल। चंबल नदी को चरमावती के नाम से भी जाना जाता है। सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान। पहला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? ए अफ्रीका, बी अंटार्कटिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी यूरोप। ऑप्शन बी सही है, अंटार्कटिका। क्वेश्चन दूसरा, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? ए 1851, बी 1890, सी 1869 या डी 1871। ऑप्शन सी सही है, 1869 ईस्वी में। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? ए 168 किमी, बी 65.1 किमी, सी 155.1 किमी और डी 98.8 किमी। ऑप्शन ए सही है, 168 किमी। चौथा क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? ए चीन, बी तुर्की, सी इराक, डी फ्रांस। ऑप्शन बी सही है, तुर्की। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है? ए मलावी, बी चाड, सी माड और डी विक्टोरिया। ऑप्शन डी सही है, विक्टोरिया। क्वेश्चन छठा, निम्नलिखित में किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? ए कजाकिस्तान, बी अजरबैजान, सी आर्मेनिया और डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी आर्मेनिया। सातवां क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है? ए कील नहर, बी सूर नहर, सी पनामा नहर, डी स्वेज नहर। ऑप्शन डी सही है, स्वेज नहर। आठवां क्वेश्चन, क्रह नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए फिनलैंड, बी थाईलैंड, सी जर्मनी और डी भारत। ऑप्शन बी सही है, थाईलैंड। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलती है? ए सू, बी की, सी पनामा और डी स्वेज। ऑप्शन बी सही है, कील। क्वेश्चन दसवां, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? दसवां क्वेश्चन, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? ए 1854 ईस्वी, बी 1905 ईस्वी, सी 1897 ईस्वी और डी 1899 ईस्वी। ऑप्शन ए सही है, 1854 ईस्वी। ग्यारहवां क्वेश्चन, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? ए स्ट्राबो, बी अरिस्टोटल, सी कापरनिकस, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, अरिस्टोटल। बारहवां क्वेश्चन, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? ए उत्तर अयनांत, बी दक्षिण अयनांत, सी अपसौर और डी उपसौर। ऑप्शन सी सही है, अपसौर। तेरहवां क्वेश्चन, पृथ्वी को उसकी काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? ए घूर्णन, बी परिभ्रमण, सी कक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, घूर्णन। चौदहवां क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है? ए 3 दिसंबर को, बी 3 जनवरी को, सी 3 जून को या डी 3 सितंबर को। ऑप्शन बी सही है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। फिर 15वां क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है कितनी होती है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कितनी होती है? ए 4 जनवरी को, बी 4 सितंबर को, सी 4 दिसंबर को या डी 4 जुलाई को। ऑप्शन डी सही है, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। क्वेश्चन 16,
सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? ए मार्च में, बी जनवरी में, सी जुलाई में या डी सितंबर में? ऑप्शन सी सही होगा, जुलाई। जुलाई में सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी जो है वो सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। अब कौन सा महीना होता है? जुलाई का महीना होता है। ठीक, 17वां क्वेश्चन है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है बताइए? सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन है? ए मंगल, बी बुध, सी पृथ्वी, डी शुक्र। ऑप्शन डी होगा, शुक्र। शुक्र ही सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह होता है। ठीक, 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है बताइए? किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ए शनि, बी शुक्र, सी बुध और डी बृहस्पति। ऑप्शन बी होगा, शुक्र। शुक्र को ही सौंदर्य का देवता कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? ए शनि, बी शुक्र, सी बृहस्पति और डी बुध। सुबह का तारा किस ग्रह को कहते हैं? ऑप्शन बी सही होगा, शुक्र। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन 20, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है? ए शुक्र, बी बुध, सी बृहस्पति, डी पृथ्वी। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र होगा। शुक्र ही है जो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है। ठीक, अब 21वां क्वेश्चन, सौर मंडल का सर्वाधिक ग्रह गर्म ग्रह कौन है? जो सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ए बुध है, बी पृथ्वी है, सी मंगल है या डी शुक्र है? ऑप्शन डी होगा, शुक्र। सौर मंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र को ही कहा गया है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है? आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? ए दक्षिणी अमेरिका, बी उत्तर अमेरिका, सी यूरोप और डी एशिया। ऑप्शन सी सही होगा, यूरोप। अब 23वां क्वेश्चन, आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है कौन सा? ए राइन, बी मिसिसिपी, सी कांगो, डी ये सभी। ऑप्शन ए सही होगा, राइन। ठीक, 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक औद्योगीकृत देश है? सबसे अधिक सर्वाधिक औद्योगीकृत देश कौन सा है? ए मलेशिया है, बी बांग्लादेश है, सी सिंगापुर है या डी नेपाल है? ऑप्शन सी सही होगा, सिंगापुर। 25वां क्वेश्चन, ब्यूनस आयर्स निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? ब्यूनस आयर्स किस लिए प्रसिद्ध है? ए रेशमी वस्त्र के लिए, बी डेयरी पदार्थ व मांस, सी ऊनी वस्त्र या डी इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी सही है, डेयरी पदार्थ व मांस के लिए ब्यूनस आयर्स प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन 26, ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? ढाका जो था वो प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? ए जूट, बी हीरा, सी मलमल या डी चावल? ऑप्शन सी सही होगा, मलमल। मलमल जो था वो ढाका प्राचीन काल के लिए ही बहुत प्रसिद्ध था। क्वेश्चन 27वां, क्वेश्चन 27वां है, रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस देश में स्थित है? ए हंगरी, बी पोलैंड, सी जर्मनी और डी फ्रांस। ऑप्शन सी सही होगा, जर्मनी। ठीक, 28वां क्वेश्चन, कूच बास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए कजाकिस्तान, बी रूस, सी पोलैंड और डी यूक्रेन। ऑप्शन बी सही होगा, रूस। कुजा बसा कोयला क्षेत्र रूस राज्य में स्थित है। ठीक, अब क्वेश्चन 29, बागानी कृषि व्यापक है बताइए, बागानी कृषि व्यापक है क्या होगा? ए कैलिफोर्निया में, बी
मिसिसिपी घाटी में, सी कैरिबियन क्षेत्र में, या डी नील नदी के घाटी में। इसका ऑप्शन ए सही होगा, कैलिफोर्निया में। बागानी कृषि जो है वो कैलिफोर्निया में व्यापक है। ठीक है, अब क्वेश्चन 30, व्यापारिक स्तर पर पाए जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन कहलाता है क्या, एपी कल्चर, सिल्वी कल्चर, मेरी कल्चर या हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन डी होगा, हॉर्टिकल्चर। अब 31वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी होती है। सबसे निचली परत क्या है, ए समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी ओजोन मंडल या डी आयनन मंडल। ऑप्शन बी सही होगा, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, अब 32वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या डी हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन सी सही होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है। 33वां क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ए हिमालय, बी एंडीज, सी राखी या डी अल्पास। ऑप्शन बी होगा, एंडीज। एंडीज ही दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब 34वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थ फील्ड बांध है कौन सा है। भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थ फील्ड बांध कौन सा है, ए भाखड़ा बांध, बी टिहरी, सी हीराकुंड या डी रणजीत सागर। ऑप्शन डी सही होगा, रणजीत सागर। रणजीत सागर जो है वो भारत का सर्वाधिक सबसे ऊंचा अर्थ फील्ड बांध कहलाता है। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है, चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, अंटार्कटिका में, अमेरिका में, दक्षिण एशिया में या यूरोप में। ऑप्शन सी सही होगा, दक्षिण एशिया। 36वां क्वेश्चन, निम्न में से भारत में कौन सी फसलें उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरती हैं, ए चावल, बी जौ और मक्का, सी ज्वार और बाजरा, डी गेहूं। कौन सी फसलें उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरती हैं। ऑप्शन ए सही है, चावल। चावल एक ऐसी फसल है जो उत्पादन में सर्वाधिक अपना क्षेत्रफल घेरती है। अब 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है, ए मखाना, बी जूट, सी कपास और डी मक्का। ऑप्शन डी सही होगा, मक्का। मक्का जो है वो व्यापारिक फसल नहीं होती है। 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल नहीं है। दलहन फसल कौन सी नहीं कहलाती है, ए चना, बी मखाना, सी मूंग या डी अरहर। ऑप्शन बी सही होगा, मखाना। मखाना जो है वो दलहन फसल नहीं होती है। ठीक, 39वां क्वेश्चन, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है कहाँ मिलता है, ए जम्मू कश्मीर में, बी उत्तर प्रदेश में, सी केरल में, डी असम में। तो सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए होगा, जम्मू कश्मीर में। 40वां क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, ए सिंचाई के लिए, बी कृषि के लिए, सी जल विद्युत उत्पादन के लिए या डी भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। ऑप्शन डी सही होगा, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए वर्षा जल संग्रहण लाभदायक होता है। 41वां क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, ए गंगा, बी रावी, सी सतलज, डी व्यास। ऑप्शन सी सही होगा, सतलज नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। 42वां क्वेश्चन है, रक्षक मेखला डैश डैश की एक विधि है। रक्षक मेखला की एक विधि कौन सी है, ए जल संरक्षण, बी मृदा संरक्षण, सी मृदा निर्माण या डी बागानी।
ऑप्शन बी सही होगा, मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण जो है जलचक्र में कला की एक विधि होती है। 43वां क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है? कौन सा राज्य भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी पंजाब या डी मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का अग्रणी दलहन उत्पादक राज्य है। ठीक है, 44वां क्वेश्चन है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है बताइए? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। ऑप्शन बी सही होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 45वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य बताइए? ए महाराष्ट्र है, बी राजस्थान है, सी मध्य प्रदेश है या डी उत्तर प्रदेश। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी सही होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। 46वां क्वेश्चन, भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है? ए खाद्यान्न, बी दूध, सी गन्ना व चीनी, डी इन सभी में। ऑप्शन डी सही होगा, इन सभी में। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके लिए उत्पादन प्रथम है? तो खाद्यान्न, दूध, गन्ना व चीनी सभी के लिए वो प्रथम है। 47वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी होगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ही मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 48वां क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य है कौन सा? खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी बिहार। ऑप्शन बी सही होगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ही भारत में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य है। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ए उत्तर पूर्व क्षेत्र, बी इंडो गांगे क्षेत्र, सी कृष्ण गोदावरी डेल्टा या डी केरल तथा तमिलनाडु। किसे चावल का कटोरा कहा जाता है, भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन सी सही होगा, कृष्ण गोदावरी डेल्टा। कृष्ण गोदावरी डेल्टा को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। अब ये अंतिम क्वेश्चन है, 50, भारत की सबसे प्रमुख फसल है? ए चावल, बी गेहूं, सी गन्ना, डी चना। सबसे प्रमुख फसल क्या है भारत में? ऑप्शन ए है चावल। चावल ही भारत की सबसे प्रमुख फसल है। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।